हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यार वैसे तो मैंने कभी ब्लॉग बनाने का सोचा नहीं। हाँ पहले मैंने बनाया था फीवर्स बैग, पर वो किसी रीज़न की वजह से ना मैं नहीं चला पाई। तो आज मैं बैठे बैठे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आलू फ्राई कर रही थी, तो आई थॉट आई शुड नॉट मेक अ व्लॉग ऑन दिस, तो बस ख्याल आ गया तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आलू और मिर्च फ्राई कर रही हूँ, आप लोग भी फ्राई करते हैं मुझे बताइएगा। तो पहले मैंने घी गरम किया तवे पे, फिर उसमें आलू और मिर्च को डाला और ऊपर से मैंने उसको ढक्कन देकर थोड़ी देर के लिए ढक दिया। उसके बाद मैंने ढक्कन उठा के, जैसे कि आप देख रहे हैं ये थोड़े पक गए हैं, तो इनको मैंने थोड़ा सा हिलाया, मिक्स किया। इसको थोड़ी देर और पकाएंगे और पकाने के बाद उसमें हम डालेंगे नमक, सॉल्ट, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर हम छोड़ देंगे जैसे कि पक जाएं। तो फ्रेंड्स, आप किस तरीके से पोटैटो खाना पसंद करते हैं? आई प्रिफर लाइक दिस। वैसे पोटैटो वो वाहिद डिश है जो मुझे हमेशा पसंद होती है, हर हालत में, हर सूरत में। क्या आप भी मेरी तरह हैं? आपको भी ऐसे ही पसंद है आलू? तो देखें जी, ये मोस्टली पक गए हैं, मैं इनको मिक्स कर रही हूँ और चेक लाजमी करना है। लेट्स सी, ये पूरे पक गए थे और आई मिक्स्ड इट वेल। मिक्स करने के बाद आपको इसमें बाकी स्पाइसेस इतने ज़्यादा नहीं, रेड चिलीज एंड टर्मेरिक ही ऐड करना है। मैंने और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि हमारे घर वालों को पसंद नहीं है। मिक्स मिक्स मिक्स